बॉलीवुड के लेजेंड स्टार्स में से एक मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें प्यार से लोग मिथुनदा कहकर भी बुलाते हैं, न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ के चलते भी काफी चर्चाओं में रह चुके हैं। एक समय था जब मिथुनदा का नाम अपने समय की कई नामी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ रहा था, जिसमें श्रीदेवी, रंजीता और योगिता बाली का नाम शामिल है। मिथुनदा की शादी आगे चलकर एक्ट्रेस योगिता बाली के साथ हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होते हुए भी मिथुनदा अपने समय की एक बेहद चर्चित एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गए थे। यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी थी। खबरों की माने तो मिथुनदा और श्रीदेवी ने चोरी छुपे शादी भी कर ली थी। हालांकि इस बात की कानो कान किसी को खबर नहीं हुई और इनका रिश्ता पूरे 3 सालों तक यूं ही चलता रहा था। फिर एक दिन मिथुनदा की वाइफ योगिता बाली को इस रिश्ते का पता चला तो घर में भूचाल आ गया। मिथुन की बेवफाई से योगिता इस कदर दुखी हुई थी कि उन्होंने सुसाइड करने तक की कोशिश कर डाली थी। बहरहाल घर में हुए हंगामे का असर ये हुआ कि मिथुनदा ने श्रीदेवी का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि श्रीदेवी ने इसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी कर ली थी। बोनी भी पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इस बार श्रीदेवी बोनी के बच्चे की माँ बन गई थी। कहते हैं बोनी कपूर की वाइफ मोना शौरी को इस बात का पता चलते ही गहरा सदमा लगा था। वहीं बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी को होम ब्रेकर भी कहा जाने लगा था। बाकी और भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।